भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मुरारका कॉलेज स्थित रेलवे फाटक के समीप अपराधियों ने एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी और सबको एक गड्ढे में फेंक दिया। मृतक की पहचान बरबिल्ला निवासी मंटू मांझी के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक की मां मखिया देवी और साला मैना मांझी ने बताया कि बुधवार की देर रात गांव के ही धर्मेंद्र यादव एवं सकलदेव कुमार घर पर आकर मंटू मांझी को अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद मंटू रात में घर वापस नहीं आया। मंटू मांझी के घर वापस नहीं लौटने पर सुबह परिजनों को ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि मुरारका कॉलेज के समीप रेलवे फाटक के पास मंटू मांझी की हत्या कर उसके लाश को एक गड्ढे में फेंक दिया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सुल्तानगंज पुलिस दलबल के साथ परिजनों को लेकर घटनास्थल पर पहुंची, जहां पुलिस ने मृतक मंटू मांझी के शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। वहीं मामले को लेकर थानाध्यक्ष प्रियरंजन कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही घटना में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कौन ले गया बुला के? धर्मिंद्रा नाम रहे, धर्मिंद्रा दू गो एलन बेटा ले गए बोला खाना हमारे कर ले रह गए उठा बोला ले गए बेटा। किसको ले गया बुला के? हम रहे बेटा के। क्या नाम है? हाँ। बेटा क्या नाम है? मंटू मांझी। उसी को लेके गया? कहाँ लेके गया? लेला चल गए कल के चाचा यहाँ अपन चाचा बोल के चाचा बोल सब दिन बोलवे रहे की हमारे बेटा ले जेते मारिए देते बेटा। मार दिया है? मार दल। क्या चीज से मारा है? अब कद संग मार लगे पानी गोद को मार लगे इसका सब तोड़ दल के सब को गुरा दल। ये गुमटी के पास रेलवे फाटक? हाँ, जो दबलवाना है। हाँ, क्या चीज से मारा ये लोगों को? दाब के मारा है? क्या मारा? हाथों तोड़ दिया है। वो मैं गमछी खोल कर मारा है। क्या नाम है इसका? खसारे मंटू। मंटू 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 मार दिया उसको। मंटू क्या है? मंटू मांझी। दादा मांझी मंडू मांझी। पिता क्या नाम है? महावीर। भागलपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ रुपए लूट की साजिश रच रहे 4 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल और गोलियां बरामद की है। सिटी SP अमित रंजन ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा झुरखुरिया स्थित तक्षशिला विद्यापीठ स्कूल के सामने बगीचे में लूट का योजना बना रहा है, जिसके सत्यापन के बाद SP आनंद कुमार के निर्देश पर सिटी DSP के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। वहीं टीम के द्वारा छापेमारी के दौरान पुलिस ने 4 बदमाशों को मौके से दबोच लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 देसी कट्टा एवं 3 जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मोहम्मद परवेज के पुत्र मोहम्मद तबरेज, फतेहपुर निवासी मोहम्मद समी के पुत्र मोहम्मद सज्जाद, औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के अशोक शाह के पुत्र गौतम कुमार एवं सबौर थाना क्षेत्र के मोहम्मद हसन का पुत्र मोहम्मद राजा के रूप में हुई है। सिटी SP ने कहा कि पकड़े गए अपराधियों ने पूछताछ के दौरान लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी बदमाशों को जेल भेज दिया है। भागलपुर पुलिस लगातार ऐसे क्रिमिनल्स पर निगरानी रखती है जो शातिर क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं और उनका इंटेलिजेंस गैदर किया जाता है। उसी क्रम में कल एक सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति झुरखुरिया स्थित तक्षशिला विद्यापीठ स्कूल के सामने बागीचे में लूट की घटना कारित करने की योजना बना रहे हैं। तो SSP सर को इन्फॉर्म किया गया, उसके बाद एक टीम का गठन किया गया और वहाँ पर छापेमारी की गई। 4 लोग की वहाँ पर गिरफ्तारी की गई, जो कि 2 देसी कट्टा और 3 कारतूस भी बरामद हुआ उनके पास से, और 5 मोबाइल और 1 छुरा बरामद हुआ है। जो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का नाम है मोहम्मद तबरेज, मोहम्मद सजाद, गौतम कुमार, मोहम्मद राजा। मोहम्मद तबरेज जो है, इसके ऊपर आपराधिक इतिहास के टोटल 4 केसेस हैं अलग अलग थाना क्षेत्र में। औद्योगिक प्रक्षेत्र में 2 केसेस हैं, कहलगांव में 1 केस है और अगरतला GRP थाना में भी 1 केस है। मोहम्मद सज्जाद के ऊपर 1 केस है, बाकी जो 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं उनका हम लोग आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं। इस टीम में जो लोग शामिल थे वो औद्योगिक प्रक्षेत्र SHO कौशल कुमार भारती, बबरगंज थाना से राज रतन, DIU प्रभारी राजीव कुमार सिंह, मिथिलेश कुमार चौधरी DIU से, मिथिलेश कुमार DIU से, मुरलीधर शाह, इरफान खान,
पुवानी रामचंद्र सिंह, सानी कुमोद कुमार सिंह और बाकी जो फोर्स इन्वॉल्व था इस पूरी टीम के जो नेतृत्व कर रहे थे वो डीएसपी सिटी साहब थे। और बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ, इनके ऊपर लगातार निगरानी रखी जा रही थी क्योंकि बहुत ही शातिर क्रिमिनल हैं। और भागलपुर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शिक्षक बहाली के लिए बीपीएससी परीक्षा गुरुवार से शुरू हो गई। सुबह से ही छात्र अपने अपने सेंटर पर पहुंचने लगे, जहां परीक्षा केंद्र के बाहर छात्रों की लंबी कतार देखने को मिली। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए मेटल डिटेक्टर से छात्रों की जाँच की गई, जिसके बाद आधार कार्ड का सत्यापन कर छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी भी ली गई। इसके बाद छात्रों को परीक्षा हॉल में प्रवेश कराया गया। बता दें कि जिले में कुल 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 29,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे। प्रथम पाली की परीक्षा 10 बजे से शुरू हुई है। परीक्षा अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं परीक्षा केंद्र के आसपास 500 गज के दायरे में धारा 144 लागू रही। बता दें कि कदाचार करते हुए पाए जाने की स्थिति में आगामी 5 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षा में भाग लेने से छात्र को वंचित कर दिया जाएगा। परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थियों ने कहा कि सिलेबस के अंदर का क्वेश्चन था और क्वेश्चन ठीक था। भागलपुर के नाथनगर में जमीन विवाद को लेकर अपराधियों ने डीलर को गोली मार दी। गोलीबारी की घटना में डीलर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल व्यक्ति की पहचान नाथनगर के भतोड़िया गांव निवासी दयानंद यादव के रूप में हुई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही ललमटिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने घटनास्थल से एक जिंदा गोली भी बरामद किया है। घायल दयानंद यादव ने बताया कि बुधवार की शाम वह पंखा ठीक कराने ललमटिया चौक के पास इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान गया था। इसी बीच एक अपराधी आया और गोली मारकर फरार हो गया। दयानंद यादव ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों से 2 साल से जमीन का विवाद चल रहा है। 1 वर्ष पहले भी भतोड़िया रोड में अपराधियों ने गोली चलाई थी। उस घटना में वह बाल बाल बच गया था, जिसके बाद मधुसूदनपुर थाने में गाँव के कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। अब दोबारा जानलेवा हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हम सर पंखा ठीक करा रहे थे और ऑरेंज के दुकान में दक्षिण वो बैठे थे रोड से दक्षिण, और पीछे से जैसे माथा में गोली लगा हम गिर गए। दुकानदार जो वो बाहर में बैठा हुआ था, एक अंदर में पंखा ठीक कर रहे थे, वो लोग अध्यक्ष वो हम उठ के भागे थाना थाना वहाँ नहीं थे, आदमियों को घेर लिया। तब फिर आदमी थाना से गया, वो मोटरसाइकिल खड़ा हुआ वो बैठा तुमको थाना लाया। कहने कहने गोली मार लिया। जमीन का विवादी है सर। कौन लगते हैं विवादी है? मुस्लिम से सर। की नाम से? उसको अनवर उर्फ छंगूरी इब्राहिम, इब्राहिम 3 भाई है, सुनते एक भाई जेल में है। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड परिसर स्थित धर्मशाला में गुरुवार को सरपंच संघ का संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड सरपंच संघ के अध्यक्ष विमल किशोर यादव ने की। बैठक में सुल्तानगंज प्रखंड के 18 पंचायतों के सरपंच ने हिस्सा लिया। इस दौरान बिहार प्रदेश सरपंच महासंघ के आह्वान पर राज्य सरकार के खिलाफ 11 सूत्री मांगों को लेकर 5 सितंबर को होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर विचार विमर्श किया गया, जिसमें सरपंच की सुरक्षा, सरपंच के वेतन में वृद्धि, पंचायतों को विकास के लिए अधिक अधिकार, पंचायतों को अधिक वित्तीय सहायता, पंचायतों को अधिक शक्तियाँ सहित कई अन्य मांग शामिल है। सरपंच संघ के अध्यक्ष विमल किशोर यादव ने बताया कि 5 सितंबर को प्रखंड मुख्यालय सुल्तानगंज में धरना प्रदर्शन करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस दौरान सरपंच महेंद्र शर्मा, उदित नारायण मंडल, प्रमोद यादव, वरुण कुमार, विजय कुमार दास, जयप्रकाश मंडल, प्रियंका देवी, करुणा कुमारी, सुनीता देवी, ममता देवी सहित कई सरपंच मौजूद थे। प्रखंड सरपंच संघ अध्यक्ष विमल किशोर यादव की अध्यक्षता में एक बैठक की है, जिसमें कि प्रदेश के आदेशानुसार हम लोग जो है 5 सितंबर को एक बैठक जो है ना धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कहाँ? जिसका मुख्य मुद्दा है प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रांगण में, जिसका मुख्य मुद्दा हम लोग का 11 सूत्री मांग है। यदि इसको नहीं मानेंगे सरकार तो हम लोग फिर इसका कार्रवाई आगे के लिए सोचा जाएगा। इसी संदर्भ में हम लोग धरना प्रदर्शन करने जाए, जिसमें 11 सूत्री मांग निम्न प्रकार कुछ है, जैसे हम लोग का पेंशन अति भत्ता, वेतन भत्ता,
कम से कम बढ़ा करके जो है 10,000 रुपया किया जाए। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। मार्केटिंग करिए और रिलैक्स होने के लिए सैलून को जरूर यूज करें। स्पेशली ब्राइडल मेकअप के लिए इन्होंने जो अरेंजमेंट्स किए हैं, ऑल द प्रोडक्ट्स दे आर यूजिंग आर अंडर देयर प्रोफेशनल्स, सो यू कैन ट्रस्ट। पुलिस जिला नवगछिया के नदी थाना क्षेत्र में अपने बासे पर सोए एक चरवाहा की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बीपुर थाना क्षेत्र के कहारपुर निवासी 37 वर्षीय रामशरण यादव के रूप में हुई है। मृतक अपने गाय और भैंसों के साथ टेकना बहियार में अपने बाशा पर रहता था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही नदी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना को लेकर मृतक के भांजा ने बताया कि गुरुवार की सुबह जब वह बाशा पर पहुंचा तो मामा की लाश पड़ी थी, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस और परिजनों को दी। वहीं घटना को लेकर नवगछिया STPO दिलीप कुमार ने बताया कि घटना किस कारण से हुई है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि नवगछिया पुलिस एवं नदी थाने की पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है, साथ ही लोगों से पूछताछ भी कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। बासा कहाँ था? बासा दीरा में। कौन दीरा? कारपुर दीरा में। कारपुर दीरा। सूचना कैसे मिला के गोली लग गया है? इसको भोर के सब भगना जब गया ना, देखता है मामू को सुता है, भरता है तो गोली लगल डेट कर गया था। पांच गो दो गो भैंस है, तीन गो गाय है उसके पास, पांच चोरा से। क्या लग रहा है किस तरह से कोई विवाद है? विवाद तो किसी से नहीं था। अब काहे कोई मार दिया, हम लोग को तो कोई पता ही नहीं चल रहा है कौन मारा। अभी तक फसल चराने का कोई बात आ रहा है क्या? नहीं, फसल सब चराने का कोई बात। क्या नाम बताए थे? रामशरण यादव। भागलपुर में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के भीरखुर्द पंचायत का है, जहां देर रात गांव के ही दबंगों ने पंचायत समिति सदस्य एवं उनके पत्नी पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। घटना को लेकर पंचायत समिति सदस्य सुधीर सिंह एवं उनकी पत्नी ललिता देवी ने बताया कि गाँव के दबंग निभा देवी, सुंदर मंडल और पुत्र रंजन कुमार ने हथियार का भय दिखाकर 10,00,000 रुपये रंगदारी देने की मांग की है। साथ ही मारपीट कर 5,000 रुपये नगद, सोने का चैन और अंगूठी छीन लेने का आरोप लगाया है। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं सुल्तानगंज पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। हम जब बाहर से घर आए, वहाँ कुछ नहीं हो रहा था। जैसे घर आए, निभा देवी पति सुंदर मल्लर, उसका बेटी सुमन देवी, उसका पुत्र रंजन कुमार, सबने हथियार दिखा करके हमारे ऊपर हमला कर दिया। क्यों किया हमला? जमीन विवाद है,
नापी करावे अपना काम करे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। अपना जमीन नापी करे, अपना काम करे, उससे हमको कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन खाम खा जो है और लोगों के गिरफ्त ना करके ऐसा काम करता है, दबंग औरत है और गलत लोगों से उसका संपर्क है, इतलासाही करता है,